हेलो दोस्तों, जैसा कि हमने बहुत सारी मूवीज में भी देखा है कि दुबई के शेखों को बहुत अमीर दिखाया जाता है, और ये बात सच भी है क्योंकि उन्हें तो बस बहाना चाहिए अपनी बेशुमार दौलत को खर्च करने का। सोचने की बात है ना, यहाँ आम इंसान के पास घर का राशन लाने के भी पैसे नहीं होते, और वहीं दुबई के शेखों को सोचना पड़ता है कि वो अपनी दौलत कहाँ खर्च करें। और यहाँ से शुरू होती है उनकी अय्याशी, और अय्याशी भी ऐसी वैसी नहीं, वो अपने पैसे इस तरह से खर्च करते हैं कि दुनिया भर में वो न्यूज का एक बड़ा कारण बन जाते हैं। और उनके इस पैसे खर्च करने के अजीबोगरीब तरीके को हम इस वीडियो के थ्रू आपको बताएंगे कि दुबई के शेख कितने शौकीन होते हैं। जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि शेखों के पास इतना पैसा होता है कि उन्हें समझ नहीं आता कि वो उसे कहां खर्च करें, और वो अपनी शान और शौकत दुनिया को दिखाने के नए नए तरीके निकालते रहते हैं। फिर वो ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाना हो, महंगी गाड़ियां खरीदना हो, या फिर गाड़ियों के यूनिक वीआईपी नंबर लेना हो। जी हाँ दोस्तों, गाड़ियों के वीआईपी नंबर लेना शेखों का एक तरीका है पूरी दुनिया को ये दिखाने का कि वो कितने अमीर हैं। और इनफैक्ट दुबई के शेखों में तो इस बात की होड़ लगी रहती है कि कौन कितना अमीर है, और यही दिखाने के लिए वो गाड़ियों के वीआईपी नंबर्स खरीदते हैं। और इन गाड़ियों के वीआईपी नंबर्स की कीमत करोड़ों से कम नहीं होगी। दुबई में बाकायदा गाड़ियों की नंबर प्लेट के लिए बोली लगाई जाती है, जिसमें बड़े बड़े बिजनेसमैन आते हैं। बोली लगाने के लिए एक बार तो एक शेख ने 2 करोड़ की बोली लगा दी थी एक नंबर प्लेट लेने के लिए, और जब उनसे पूछा गया तो उन्होंने जवाब दिया कि वो हमेशा नंबर 1 रहना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने इतने पैसे खर्च कर दिए। कमाल की बात है ना। हाँ, आई एम श्योर आप में से बहुत लोग यही सोच रहे होंगे कि अरे यार, इतने में तो हम 10 गाड़ियां खरीद लेते हैं, यही तो फर्क है हमारे देश में और दुबई में। दुबई के शेख इंग्लैंड के मैनचेस्टर शहर को बहुत पसंद करते हैं, और वो इसलिए कि इंग्लैंड का मैनचेस्टर शहर अपने शॉपिंग मॉल्स के लिए बहुत फेमस है। अब आप सोच रहे होंगे कि दुबई के शेखों को तो शॉपिंग मॉल्स दूसरे शहरों में भी मिल जाएंगे, इसमें क्या खास बात है? तो आपको बता दें कि एक सर्वे के मुताबिक ये बात पता चली है कि मैनचेस्टर के जितने भी शॉपिंग मॉल्स हैं वो वहाँ के बड़े बड़े होटल्स के बहुत करीब हैं, जिसकी वजह से शेखों को शॉपिंग मॉल्स जाने के लिए ज्यादा चलना नहीं पड़ता। जी हाँ, सही सुना आपने, ज्यादा चलना ना पड़े इसलिए शेख मैनचेस्टर में ज्यादा संख्या में जाते हैं। और मैनचेस्टर में एक नदी भी है जहाँ शेखों को बोट राइडिंग करना बहुत पसंद है, और कई बार तो शेख पूरी बोट बुक कर लेते हैं और रात भर वहाँ पार्टी करते हैं। शादियाँ तो वैसे ही लोगों को लाइमलाइट में ला देती हैं, पर ये दुबई के शेखों की शादी है साहब। और जैसा कि हमने अभी आपको बताया कि दुबई के शेख वैसे ही इतने शौकीन होते हैं, तो आप इस बात से अंदाजा लगा लीजिए कि वो अपनी शादी जैसे मौके पर कितनी दौलत लुटा देते होंगे। जब भी दुबई में किसी शेख की शादी होती है तो कम से कम 80 से 90 करोड़ रुपए खर्च किए जाते हैं। इनकी शादियों में दुनिया की ऐसी कोई भी चीज नहीं होगी जो आपको यहाँ खाने के लिए ना मिले, और गेस्ट की तो क्या बात करें, जब होस्ट इतने बड़े लोग होंगे तो उनके गेस्ट भी बड़े ही होंगे। और जब गेस्ट इतने स्पेशल होते हैं तो जाहिर सी बात है हम नॉर्मल लोग भी अपने स्पेशल गेस्ट को स्पेशल ट्रीटमेंट देने में लग जाते हैं। तो ये तो शेखों के गेस्ट हैं, इनके स्पेशल ट्रीटमेंट के लिए इनके लिए बड़े बड़े होटल्स बुक किए जाते हैं, शाही खाना तैयार किया जाता है, और हमने तो यहाँ तक सुना है कि अपने गेस्ट को रिटर्न गिफ्ट में कई बार महंगी महंगी गाड़ियां गिफ्ट करते हैं। इनकी शादियों में करोड़ों रुपए तो सिर्फ फूलों के गुलदस्तों पर खर्च किए जाते हैं। कहा जाता है कि शेखों की शादी 1 हफ्ते तक चलती है, और इस 1 हफ्ते में उनके गेस्ट को जो चाहिए होता है वो उन्हें उपलब्ध कराया जाता है। ये सब सुनकर ऐसा लग रहा होगा ना कि काश हमें भी कोई इनकी शादी में इनवाइट कर ले। आप समझ ही गए होंगे कि जिस तरह हमारे इंडिया में अमीर लोग क्रिकेट में पैसा लगाते हैं, उसी तरह शेखों ने एक नया शौक पाल लिया है, वो है फुटबॉल में पैसे लगाने का शौक। अभी हमने मैनचेस्टर शहर की बात की कि किस तरह शेख वहाँ अपना टाइम स्पेंड करते हैं, और उसी मैनचेस्टर शहर में एक फुटबॉल का बड़ा क्लब है जिसका नाम है मैनचेस्टर सिटी फुटबॉल क्लब, और इस क्लब के जो ओनर हैं वो भी शेख हैं। मैनचेस्टर सिटी आज की तारीख में इंग्लैंड का सबसे बड़ा क्लब है, और आपको जानकर हैरानी होगी कि इस क्लब के कोच को इस समय में दुनिया में सबसे ज्यादा सैलरी दी जा रही है। जो लोग फुटबॉल के फैन हैं वो लोग जानते होंगे कि पहले मैनचेस्टर सिटी कहाँ थी, और आज पैसों के दम पर मैनचेस्टर सिटी दुनिया का सबसे रिच क्लब बन गया है। देखा जाए तो हमारे देश इंडिया के लिए भी यहाँ बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ISL की टीम मुंबई सिटी को भी मैनचेस्टर सिटी के ओनर ने खरीद लिया है। और अपकमिंग न्यूज ये भी है कि दुनिया का सबसे बड़ा इवेंट फीफा वर्ल्ड कप भी कतर में होने वाला है। अब यहाँ हम देख सकते हैं कि पैसा बहुत बड़ी चीज है, पैसा हो तो आदमी कुछ भी कर सकता है। वो कहावत तो आपने सुनी होगी ना, बाप बड़ा ना भैया सबसे बड़ा रुपया। फिल्म स्टार से मिलना हम सब का सपना होता है, पर हम में से बहुत तो ऐसे होते हैं जो इन सुपरस्टार से मिलना तो दूर उन्हें लाइव देख भी नहीं पाते। पर शेखों के केस में उल्टा है, अगर शेखों को किसी सुपरस्टार से मिलना हो तो वो उससे मिलने नहीं जाते, बल्कि उन सुपरस्टार को मुंह मांगी कीमत देकर मिलने बुलाते हैं। सुपरस्टार जिनके घर जाते हैं उनके साथ टाइम बिताते हैं, उनके लिए इवेंट्स करते हैं। एक बार तो दुबई के प्रिंस ने फ्रांस की महिला सुपरस्टार से मिलने के लिए करीबन 40 करोड़ रुपए से भी ज्यादा खर्च कर दिए थे, और इतना ही नहीं
कई बार तो इन्हें अमेरिका की मॉडल्स के साथ भी छुट्टियां मनाते हुए देखा गया है। और ये भी कहा जाता है कि ये बॉलीवुड के स्टार्स को भी बहुत पसंद करते हैं, उन्हें बॉलीवुड की फीमेल स्टार्स के साथ भी टाइम स्पेंड करना बड़ा ही अच्छा लगता है। वो कहते हैं ना, पैसा सब कुछ खरीद लेता है। हॉक्स के लिए भी फ्लाइट टिकट। दोस्तों, हॉक्स को तो आप सभी जानते हैं। जी हाँ, हम बाज की बात कर रहे हैं, जो कि दुबई के शेखों की पसंदीदा चिड़िया होती है। अक्सर हमने मूवीज में देखा है, जब भी दुबई का कोई सीन मूवी में आता है तो दुबई के शेखों के साथ बाज जरूर नजर आती है। क्योंकि जैसे हमारे देश में हम ज्यादातर कुत्तों को अपना पालतू जानवर बनाते हैं, वैसे ही दुबई के शेख बाज को अपने साथ हमेशा रखते हैं। ये शेख इन्हें छोड़कर कहीं नहीं जाते, फिर चाहे उनके देश से बाहर जाने की बात क्यों ना हो। देखिए एक शेख ने किस तरह अपने बगल वाली सीट बुक करके अपने पसंदीदा बाज को उस पर बिठा रखा है। और इतना ही नहीं, एक बार तो एक शेख किसी दूसरे देश की यात्रा के लिए जा रहे थे, तो वो अपने साथ अपने 80 बाजों को भी यात्रा पर ले गए, और उनके लिए उन्होंने स्पेशल फ्लाइट में बकायदा सीट भी बुक करवाई थी। और अब तो एयरलाइंस वालों ने भी अपने साथ एक साथ 6 बाजों को ले जाना अलाउ कर दिया है। अब आप ही सोच कर देखिए, है ना अपने पैसों की नुमाइश। दुबई के शेख बड़ी बड़ी बिल्डिंग बनाने के लिए भी बहुत मशहूर है, क्योंकि वो इस तरह की ऊंची ऊंची बिल्डिंग बनाकर पूरी दुनिया को दिखाना चाहते हैं कि वो लोग कितने अमीर हैं। और जब ये ऊंची ऊंची इमारतें बनकर तैयार हो जाती हैं, तब शेखों का काम होता है दुनिया को बताना कि देखो, दुबई आर्किटेक्चर के मामले में दुनिया के सबसे आगे है। और ये बात सही भी है, क्योंकि दुबई दुनिया में सबसे लंबी इमारतें बनाने के लिए मशहूर है। अब इस बात से आपको बुर्ज खलीफा का नाम तो याद आ ही गया होगा। बुर्ज खलीफा दुनिया की सबसे ऊंची इमारत है, जिसकी लंबाई 829.8 मीटर है। इस बिल्डिंग को बनाने में करीब $8 अरब लगे थे। बुर्ज खलीफा तो वर्ल्ड फेमस है, पर कल जब आप दुबई जाते हैं तो आपको बता दें कि आप कंफ्यूज हो जाएंगे, क्योंकि वहां पर कोई भी बिल्डिंग छोटी नहीं है, आपको हर एक इमारत एक दूसरे से ऊंची दिखेगी। इसलिए दुबई के शेख बड़ी बड़ी इमारतें बनाने के लिए फेमस है। और साथ ही दुबई में एक से बढ़कर एक होटल्स बनाए गए हैं। द बुर्ज अल अरब दुबई का सबसे बड़ा 7-स्टार होटल है। एक समय में यह दुनिया का सबसे ऊंचा होटल हुआ करता था, पर अभी कुछ ही समय पहले उसी के बगल में एक नए होटल का निर्माण किया गया है, जिसका नाम है गेबोरा होटल। पर आज की तारीख में इस होटल को दुनिया का सबसे ऊंचा होटल माना जा रहा है। अमीरों का पैसे खर्च करने का एक तरीका और भी है, और वो है घोड़ों की रेस पर पैसे लगाना। और ये शौक दुबई के शेखों का भी है, पर दुबई के शेखों का ये शौक सिर्फ घोड़ों की रेस पर पैसे लगाने तक ही सीमित नहीं है। उन्हें अपने अरबी घोड़े से इतना प्यार होता है कि उनके घोड़ों के रहने की लोकेशन भी किसी 5-स्टार होटल से कम नहीं होती। घोड़ों के रहने की जगह जब आप देखते हैं तो आपको पता चलता है कि कैसे शेख अपने अरबी घोड़ों पर करोड़ों रुपए खर्च कर देते हैं। उनके रहने की जगह में हर तरह की सुविधा से लेकर स्विमिंग पूल तक सब अवेलेबल होता है। कहा जाता है कि इन घोड़ों के एक महीने के खाने पर जो खर्च होता है वो कम से कम 10 लाख से ऊपर का होगा। और जब कोई घोड़ा ज्यादा रेस जीतता है तो उसका स्टैचू दुबई के हर चौराहे पर बनवाया जाता है, जो कि आपने दुबई में अधिकतर देखा ही होगा। अब इतना पैसा है तो शेख भी सोचते होंगे कि कहां खर्च करें, तो उन्होंने एक नया तरीका निकाल लिया है। वो अपने पैसों का प्रदर्शन करने के लिए सोने से बनी चीजों का इस्तेमाल करते हैं। गाड़ी से लेकर मोबाइल तक सब सोने का बनवा लेते हैं ये शेख। शेखों की कार कलेक्शन में रोल्स रॉयस, लैम्बोर्गिनी, मर्सिडीज जैसी कई गाड़ियां हैं, जिसमें उन्होंने सोने की परत लगवा रखी है। इनके मोबाइल फोन पर भी सोने की परत लगी हुई रहती है। दुबई के शेखों ने अपने कई एरियाज में तो सोने के ATM भी बनवा दिए हैं, जिससे वहां से वे सोने के सिक्के निकाल सके। जैसे कि हम ATM से नोट निकालते हैं, है ना ये सब आश्चर्य की बात। पर ये दुबई है मेरी जान, और दुबई सोने की नगरी है, वहां कुछ भी हो सकता है। अब जब पापा के पास इतना पैसा होगा तो बच्चे तो ऐश करेंगे ही ना। अब जब आपने देखा कि शेख खुद पर और अपने शौक पर इतना खर्च करते हैं, तो जरा सोचिए वो अपने बच्चों पर कितना खर्च करते होंगे। क्योंकि गरीब से गरीब इंसान भी अपने बच्चों को हर खुशी देने की कोशिश करता है, तो ये तो शेख है साहब, और इनके पास तो दुनिया की तमाम दौलत है। शेख के बच्चों के शौक तो और भी निराले और ऊंचे होते हैं। अब पापा इतने अमीर हैं तो अपने बच्चों को कुछ भी गिफ्ट कर सकते हैं। कई शेखों ने तो अपने बच्चों को प्राइवेट एयरक्राफ्ट तक गिफ्ट कर दिया। इन शेखों के घर इनके बच्चों के पास दुनिया का हर तरह का खिलौना मिल जाएगा। बच्चों के लिए प्राइवेट स्विमिंग पूल तक बना देते हैं। छोटे छोटे बच्चे बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूमते हैं। दुनिया की ऐसी कोई जगह नहीं है जो इन शेखों के बच्चों ने नहीं देखी। ये बच्चे अपने प्राइवेट एयरक्राफ्ट में अपने पापा के साथ छुट्टी मनाने जाते हैं। और जब ये थोड़े से बड़े होते हैं तो इनके पास दुनिया की सबसे महंगी घड़ी, सबसे महंगी गाड़ी और सबसे महंगे फोन्स का कलेक्शन आपको देखने को मिलता है। इनके बच्चों का एक और शौक है, और वो है चीता। चीता जैसे जानवर को ये शेख के बच्चे पालतू बनाकर उनके साथ खेलना चाहते हैं, जो सिर्फ बात सुनकर ही हम में से आधे लोग घबरा गए होंगे, पर ये सब पैसे का खेल है साहब। तो दोस्तों, आप इन शेखों की जिंदगी के बारे में क्या कहेंगे, हमें कमेंट में जरूर बताइए। आपको यदि हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। वीडियो के अंत तक हमारे साथ बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।